अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है जो कि झटपट बन जाती है, और ये सूजी का हलवा बहुत ही लाइट होता है और बहुत ही जल्दी बन भी जाता है। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा घी नहीं होता, बहुत ही लाइट सा, बहुत ही खुश सा हलवा होता है और टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो आज मैं आपको अपने तरीके से सूजी के हलवे की रेसिपी देने जा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में ऑयल या फिर घी गर्म करेंगे। अगर आप चाहें तो आप देसी घी भी डाल सकती हैं, आधा कप। दो तीन इलायचियाँ इसमें हम तोड़ के डालेंगे। हीट मीडियम पे होनी चाहिए। इलायचियों को हम भूनेंगे और इसके बाद हम इसमें सूजी शामिल करेंगे। आधा कप हम इसमें सूजी डालेंगे। और अब हम सूजी को भूनना शुरू करेंगे। मीडियम हीट होनी चाहिए और सूजी को हम इतना भूनेंगे कि सूजी की खुशबू आने लगे और इसका कलर चेंज होने लगे। तकरीबन 4-5 मिनट लगते हैं सूजी को भूनने में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। आधा कप हमने सूजी ली थी, तो आधा कप ही हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। अगर आपको कम चीनी पसंद हो तो आप कम भी कर सकती हैं। और अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि चीनी इसमें कैरामलाइज होना शुरू हो जाए, यानी कि पिघलना शुरू हो जाए। और अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे। 1 कप के करीब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। और इसके बाद हम इसे भूनेंगे। इसी दरमियान हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के कोई से भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बादाम और अखरोट डालूंगी। ड्राई फ्रूट आप भूनकर भी इसमें ऐड कर सकती हैं और एज इज भी इसमें ऐड कर सकती हैं। थोड़े से मैं इसमें बादाम शामिल करूंगी और हलवे को हम भूनते जाएंगे। लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा मैदा शामिल करेंगे। ये हलवे को ड्राई रखता है और बिल्कुल भी ये हलवा हैवी नहीं लगता। 1 टेबलस्पून हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। अगर आपके पास व्हीट फ्लोर हो, यानी गंदम का आटा हो, तो आप वो भी शामिल कर सकती हैं। और अच्छी तरह से भूनकर हम इसमें खुश दूध का पाउडर शामिल करेंगे। 2 खाने के चम्मच हम इसमें खुश दूध का पाउडर ऐड करेंगे। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है हलवे को। और इसे हम भूनेंगे। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद आप देखेंगे कि ऑयल इसमें से, ऑयल या घी जो भी आप यूज़ करेंगी, तो वो इसमें से हल्का हल्का सा अलग होना शुरू हो जाएगा। तो ये हलवा हमारा रेडी होगा। तकरीबन 3-4 मिनट मैंने हलवे को अच्छी तरह से भून लिया है और ये आप देख सकती हैं हलवा पैंदा छोड़ने लगा है और हल्का हल्का सा इसमें से ऑयल भी निकलना शुरू हो गया है। तो ये हलवा हमारा रेडी है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है और बहुत ही झटपट बन जाता है। तो ये हलवा हमारा रेडी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और ये आप देख सकती हैं कि कहीं से भी इसमें ऑयल या फिर घी नज़र नहीं आ रहा। ये आप देख सकती हैं कि कितना डिलीशियस हमारा हलवा तैयार है। तो आप इसे बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको ये हलवा कैसा लगा। और मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।